नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पांच के पंच में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की पांच बड़ी खबरों पर। पांच के पंच की शुरुआत करते हैं आरएसएस प्रमुख के दिग्विजय सिंह के तंज से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर वरिष्ठ कांग्रेसी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का क्या फायदा, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि मोहन भागवत और असरुद्दीन ओवैसी का डीएनए भी एक ही है। सिंह ने यह बयान मध्य प्रदेश के सीहोर में बुधवार देर रात एक श्रद्धांजलि सभा के बाद पत्रकारों के सवाल पर दिए। पांच के पंच में दूसरी खबर है मोडाना की वैक्सीन के भारत में आने पर अभी भी रुकावट। भारत में मोडाना को इमरजेंसी अप्रूवल तो दे दिया गया, लेकिन सरकार अब तक कंपनी की इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति से राहत वाली शर्त पर फैसला नहीं कर पाई। सूत्रों की माने तो अप्रूवल के बाद भी सरकार मंथन कर रही है कि कंपनी की शर्त है कि वह साइड इफेक्ट की जिम्मेदार नहीं हो, जिसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो कंपनी से मुआवजा नहीं मांगा जा सकता। फाइजर ने भी भारत सरकार से ऐसी ही छूट मांगी। पांच के पंच में तीसरी खबर है पद संभालते ही एक्शन में आए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ट्विटर को नए आईटी मिनिस्टर ने चेतावनी में कहा कि देश को कानून सबसे ऊपर है, कानून लागू होगा। वहीं ट्विटर ने कोर्ट से कहा 8 हफ्ते में अपॉइंट करेंगे अफसर। वहीं मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर मंत्रालय संभालने की एक फोटो भी पोस्ट की। पांच के पंच में चौथी खबर है तेज प्रताप बेच रहे लालू राबड़ी नाम की अगरबत्ती। पटना में लालू खटाल ने शुरू किया बिजनेस, मंदिरों पर चढ़ रही है फूलों से तैयार अगरबत्ती। एलआर अगरबत्ती यानी लालू राबड़ी अगरबत्ती की खुशबू अब चारों तरफ फैलेगी। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप या अब बिजनेसमैन बन गए। उन्होंने अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है। पटना और दानापुर के पास लालू खटाल ने इसका शोरूम बनवाया। लालू खटाल का मतलब लालू की गौशाला से है। वहाँ बड़ी संख्या में लालू प्रसाद गाय और भैंस रखा करते। सत्ता में रहने के दौरान मुख्यमंत्री आवास में भी लालू प्रसाद का खटाल था। पांच के पंच में आखिरी खबर है मैदान पर लियोनल मेसी का जुनून देखकर फैंस हुए हैरान। पैर से खून निकलता रहा लेकिन मैदान से हटे नहीं मेसी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर और कप्तान लियोनल मेसी का देश और खेल के प्रति जुनून देखने को मिला। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोलंबिया के खिलाफ अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में जीत कर फाइनल में जगह बनाई। मैच के एक समय मेसी के पैर में चोट लग गई और उनके टखने से खून निकलने लगा। इसके बावजूद मेसी मैदान से हटे नहीं और लगातार खेलते रहे। इसके लिए मेसी ने टीम को फाइनल में पहुंचाकर दम लिया, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर लौटेंगे पांच के पंच में। अगर आपको हमारा शो पांच का पंच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।